नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यवतमाल में बेवजह घूमने वाले 9 पॉजिटिव मिले। यवतमाल जिले में 19 टैंकरों से जलापूर्ति। जिले को प्रतिदिन टीके की मिलेंगी 10,000 डोज। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। यवतमाल में बेवजह घूमने वाले 9 पॉजिटिव मिले। शहर में प्रशासन की ओर से बेवजह घूमने वालों की कोरोना जांच शुरू की गई है। सोमवार को इस तरह की गई जांच में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। शहर में कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए बेवजह घूमने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग तथा पुलिस के संयुक्त दस्ते की ओर से सोमवार को कड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान 200 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन सभी की कोरोना टेस्ट की गई। इनमें से 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें तुरंत कोरोना सेंटर में भर्ती किया गया। प्रशासन ने अपनाए इस अनोखे रुख से बिना वजह घूमकर भीड़ करने वालों पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वही दूसरे ओर यवतमाल जिले में 19 टैंकरों से जलापूर्ति। बढ़ती गर्मी के चलते भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। परिणाम स्वरूप जिले के कई गाँव में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिले में फिलहाल 19 गाँव में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। जिले में 19 गाँव में भीषण जल संकट है। इससे वहां के 25,183 नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए टैंकर से जलापूर्ति करनी पड़ रही है। जिले की यवतमाल, पुसद, आरनी, कलम और केलापुर तहसील में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। तो वही तीसरे और जिले को प्रतिदिन टीके की मिलेंगी 10,000 डोज। जिले में विगत 2 दिनों से टीके खत्म हो जाने से टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ। 45 से अधिक उम्र गुट के नागरिकों को बड़े पैमाने पर टीके की आवश्यकता है। उन्हें पहले तथा दूसरे डोज के लिए टीका लगाने शीघ्र वैक्सीन की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर मुंबई के अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क किया। इस समय प्रतिदिन यवतमाल जिले को 10,000 डोज की आपूर्ति का आश्वासन मिला है। जिले में 15 लाख से अधिक नागरिकों को टीकाकरण की प्रतीक्षा है, पर वरिष्ठ स्तर से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। इस संदर्भ में सोमवार को संपन्न वीसी में मुंबई कार्यालय ने यवतमाल के लिए शीघ्र टीके उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।